बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एवरीथिंग व्लॉग बाय जुनैरा आमिर। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टीम चिकन कढ़ाही। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की मैं कढ़ाही बनाने लगी हूँ, जिसमें मैं चिकन को करूँगी स्टीम, फिर उसको हम बनाएंगे कढ़ाही। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन लिया है मैंने 1 kg। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जो स्टीम करना है उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन, फिर दही, मैंने 1 कप दही लिया है, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने दोनों का बना लिया था। ठीक है, ज़ीरा 1/2 चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी, इसमें सिरका और 1/2 चम्मच इसका सोया सॉस और ये लीमू। ठीक है, ये हो गए स्टीम के लिए। उसके बाद जो हमने कढ़ाई बनानी है उसके लिए मुझे चाहिए प्याज, 4 अदद प्याज लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें लिए हैं, टमाटर लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी दोबारा उसमें जाएगा, और फिर उसमें जाएगा धनिया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इन चीज़ों को कर देते हैं साइड पे। एक ले लेते हैं बाउल, इस बाउल में हम लोग डालेंगे दही। ये दही निकाल लिया, अब मैं इसमें 1 चम्मच सिरका डालूंगी। ये देखें, सिरका हो गया। अब मैं इसमें लेमन ऐड करूंगी, 1/2 लेमन। उसके बाद मैं सोया सॉस ऐड करूंगी। सोया सॉस नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, सिरका, लीमू और सोया सॉस, ये चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। अब मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट लूँगी। ये देखें, इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी, एक चम्मच इसका नमक का, ये वाला 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ, कुटी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा मैं डालूँगी ज़ीरा। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखें जनाब, इस तरह से पेस्ट बन गया है। मैं चिकन ऐड कर दूँगी इसमें। ये देखें, चिकन ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हम लोगों ने। ये देखें, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब इसको मैरिनेट कर लेंगे 1/2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितना टाइम आप चाहें दे सकते हैं। अगर अर्जेंट बनाना है तो 1/2 घंटे भी काफ़ी है। उसके बाद 1 चम्मच घी डाल के मैं इसको स्टीम होने के लिए रख दूँगी दम पे। फिर तब तक मैं टमाटर प्याज वगैरह कटिंग कर लेती हूँ और फिर हम बाकी रेसिपी बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चिकन मैरिनेट हो गया है, 2 चम्मच मैंने घी के डाल दिए थे, अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये चिकन मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब मैं हल्की आंच पे ना ढक्कन दे दूंगी और ये स्टीम हो जाएगा। अब मैं इसको कवर करूंगी। ये देखे जनाब, चिकन बिल्कुल हम लोगों का रेडी है, गल गया है। प्याज काट लिया है, टमाटर, हरी मिर्ची, लीमू, अदरक, लहसुन और धनिया, सब कुछ रेडी है। ये 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया था इसमें। अब मैं प्याज डाल के इसको ब्राउन करूंगी। अब मैं प्याज डालने लगी हूँ, प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। प्याज हो रहे हैं ब्राउन, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन करने हैं। मैं ज़ीरा डालने लगी हूँ, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये देखिए जनाब, लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं टमाटर, टमाटर सारे ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड कर दिए, इसके बाद मिर्चें और लेमन, ये देखिए ये ऐड कर दूंगी। जी बेटा, अब थोड़ा सा नमक, क्योंकि चिकन में भी ऐड किया था मैंने, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी,
पीसी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करना सारा कुछ, क्योंकि हम लोगों ने चिकन में भी ऐड किया था और ये बहुत ही मज़ेदार चिकन बना रही हूँ मैं। इसको अगर हम तवे पे बनाते तो इसको तवा चिकन भी बोल सकते थे, लेकिन मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसलिए स्टीम चिकन कढ़ाई इसका मैंने नाम रखा है। मसाले को अच्छे से भून लेना। ये देखें कितने मज़े की इसकी लुक आ गई है। ये देखें जनाब, हम लोगों का मसाला बिल्कुल रेडी है। आप मसाला चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह, चिकन ऐड कर दिया है। मैं 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी। तो जनाब मैं ढक्कन उतारने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। गाइस आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो जनाब हम लोगों की रेसिपी डन है, डिश बिल्कुल बन गई है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। तो ये लीजिए जनाब, मज़ेदार किस्म का हम लोगों का स्टीम चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जनाब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके फीडबैक का बहुत बहुत थैंक यू। मुझे सारे कमेंट्स मिलते हैं आप लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये सब। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आप लोग अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और ये रेसिपी को जल्दी से करें ट्राई और मुझे फीडबैक दें। और जाते जाते फिर से कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और उसको शेयर करना मत भूलिए। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।